अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो कैसी है मेरी YouTube की फैमिली, उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का मैं अपना व्लॉग मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी आप लोग देख रहे हैं सुबह सुबह हमारा नुकसान हो गया। अच्छा, अब्बू को रोटी बना के देनी थी तो अम्मी ने नमाज़ वगैरह पढ़ी है, उसके बाद अम्मी ने ना सालन गर्म करने के लिए रखा है, सालन रख के सिलेंडर पे और बाहर निकल गई। शायद कोई ना शॉप पे आ गया था चीज़ वगैरह लेने बच्चा, तो उसको देने चली गई। उसके बाद झाड़ू वगैरह फेंकने लगी बाहर, तो बाद में याद ही नहीं रहा, जब आके देखा है तो सारा जल गया था। तो फिर हमारे पास ना कोई भी नहीं था, सालन कल वाला भी कोई भी नहीं पड़ा हुआ था कि क्या खाना है आज। तो फिर यहाँ पर मैंने कहा अब मैं क्या बनाऊँ फटाफट से, ना रोटियां भी बना ली थी, भूख भी सबको लगी हुई थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से ऐसा करती हूँ, आमलेट बना लेती हूँ। फिर मैंने दो तीन प्याज काटे हैं और एक दो अंडे डाले हैं, उसमें मैंने हरी मिर्चें टमाटर वगैरह डाल के ना थोड़े से आमलेट बना लिए। और यहाँ पे जी दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। अच्छा, आज हमें दूध भी नहीं मिला, जहाँ से हम लोग लेते थे उन्होंने जवाब दे दिया, तो ये किलो ही मिला था। तो मैंने कहा चलो ये भी अब भी ख़त्म होना था। और यहाँ पर अभी हम लोग करने लगे नाश्ता। अच्छा, यहाँ पे फिर अम्मी बाज़ार से इधर से ना दही ले आई थी शॉप से, और साथ में रात को मेरी सिस्टर ने रसमलाई बनाई थी, तो वो भी बहुत ही मज़े की बनी हुई थी, वो साथ में खाते हैं। अच्छा, सुबह सुबह सालन जल गया, उसके बाद जी मेरा मोबाइल गिर गया, लेकिन शुक्र है वो टूटने से बच गया। पता नहीं आज का दिन किस तरह का है, सारा कुछ ना इसी तरह कुछ ना ख़राब हो रहा है। और यहाँ पे अच्छा मेरी सिस्टर के लिए अम्मी ने बनाया था परौठा, तो मैंने कहा मुझे ना अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं भी ना दो तीन नवाले ले लेती हूँ। तो उसकी जान पे बनी हुई थी कि मेरा परौठा रख दो, तुमने नहीं खाना, मैं मुझे पसंद नहीं, मैं खाती भी नहीं हूँ। तो फिर ये थोड़ा सा मैंने कहा मैं एक दो नवाले ना चेक कर लेती हूँ। फिर मैंने अचार निकाल लिया था और साथ में आमलेट, मुझे ना इतना खास पसंद नहीं है आमलेट, पता नहीं पहले हुआ करता था लेकिन अब मेरा ना दिल ही नहीं करता आमलेट खाने को। तो फिर मैंने ना एक दो नवाले लिए थे पराठे के, उसके बाद फिर मैंने इसको रख दिया था। फिर मैंने थोड़ी सी रोटी खाई थी आधी, तो इसके बाद फिर मैंने रसमलाई खा ली थी, तो वो बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो यहाँ पे जी अभी हम लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, उसके बाद काम वगैरह किया है। तो उसके बाद जी मैंने कॉलेज जाना था, फिर मैं कॉलेज चली गई थी। और फिर वापसी भी मेरी फ्रेंड कह रही थी चलो आओ हम लोग ना स्टाइल वगैरह पे ना सेल लगी हुई मेट्रो वगैरह पे, तो हम लोग ना विजिट करके आते हैं। तो मैंने कहा चलो आओ, हम लोगों ने कुछ लेना तो नहीं, तो मैंने कहा चलो हम लोग फिर भूल लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए थे CSS पे। अच्छा, चीज़ें तो बड़ी प्यारी थी लेकिन इतनी ज़्यादा कॉस्टली थी ना, 50% ऑफ भी था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी। कि जो शर्ट थी ना सिंपल, यानी कि ना ऊपर कढ़ाई थी बस सिंपल लॉन की, वही 2000-2500 की थी, बहुत महंगी थी चीज़ें। लेकिन ये थी कि प्यारी थी, अगर बंदे ने पसंद करनी हो ना तो बहुत जल्दी पसंद आ सकती हैं यहाँ पे चीज़ें ना। तो यहाँ पे भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, आप लोग मेरे साथ रहिए, कि वीडियो को आप लोगों ने स्किप नहीं करना है, वीडियो को फुल वॉच करना है। तो यहाँ पे आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को इस, यानी कि सारी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की शॉपिंग, इसमें से कौन सा ड्रेस सबसे अच्छा लगा। अच्छा, ये जो ऑरेंज वाले थे ना ये मुझे अच्छे लग रहे थे, तो फिर मैं इसकी प्राइस भी मुझे लगता 3000 थी, जस्ट फ्रॉक ही थी, थी भी लोन के ना, तो अच्छी लग रही थी। तो ये फिर मैंने आप लोगों को दिखा दी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मैं खुद भी अभी देख रही हूँ अच्छी तरह और आप लोगों को भी दिखाती हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा मेरी वीडियो को। यहाँ पे सच में इतनी प्यारी प्यारी शर्ट्स थी है ना, कि बंदे को ना बस आंखें बंद करके पसंद आ सकती, इस तरह का हाल था, बहुत प्यारी थी लेकिन बहुत ज़्यादा कॉस्टली थी, 5000-6000-10000 के ना ये रेंज में थी। तो फिर लेने तो नहीं थे, मैंने कहा चलो हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, इस यहाँ पे ना मैंने ट्राउज़र के डिज़ाइन देखे हुए हैं, अच्छे लग रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं ना उसकी भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो इस तरह होता है, बंदा ब्रांड से कुछ भी यानी कि देख के फिर बंदा खुद ही यानी कि लेके कपड़ा तो उस तरीके के बना लेते हैं। अच्छा, सब में वो सीढ़ी लैस हो, जिस तरह के आज वो मैंने बाजू बनाए थे ना एक शर्ट जो मैंने ईद पे पहनी थी, उसी तरह तकरीबन जो मोस्टली ट्राउज़र थे ना वो सारे उसी तरह के बस बनाए हुए थे। तो फिर मैंने उसकी वीडियो बनाई, तो मैंने भी अपना ना ट्राउज़र स्टिच करवाना था, जो स्टिच लेते हैं ना वो ना मुझे नहीं इतना कंफर्टेबल लगता, तो फिर बंदा ना खुद लेके ना कपड़ा वो सही से बंदा स्टिच करवा लेता है। तो यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को दिखा रही थी ट्राउज़र वगैरह, और ये काफ़ी ज़्यादा शर्ट्स थी। इसके अलावा एक हम लोग और शॉप पे गए थे, वहाँ बच्चों के थे सारे, वो भी बहुत ही अच्छे थे लेकिन वो भी इतने महंगे थे, वो तो मुझे बहुत ज़्यादा महंगे लगे ना, वो यानी कि ये 2 से 3 साल के बच्चे की फ़्रॉक होगी, वो भी सिंपल लॉन की, और वो भी इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। और यहाँ पे भी ये दूसरी शॉप पे भी हम लोग आए थे, यहाँ पे भी बहुत प्यारी प्यारी शर्ट्स थी, आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा, ये वाले ट्राउज़र के डिज़ाइन में आप लोगों को कह रही थी, ये मुझे ना बहुत अच्छे लगे थे,
तो मैंने अभी ना सेम थे ये सारे जितने भी ट्राउजर थे ना सब पे यही डिज़ाइन था, बस किसी पे वो पिंटक्स डाल दी थी, किसी पे वो सीढ़ी लेस डाल दी थी, किसी पे वो चौड़ी वाली डाल दी थी और किसी पे वो कोई कोई दूसरी डाल दी थी, लेकिन सेम था। तो मैंने कहा चलो मैं ना इनमें से कोई कॉपी करूँगी। और यहाँ पे हैंड बैग भी बहुत ही ज़बरदस्त, इतने प्यारे प्यारे थे ना हैंड बैग, क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को इनमें से शॉप में से जो शर्ट कौन सी अच्छी लगी, इसके अलावा बैग कौन सा अच्छा लगा है। तो यहाँ पे जी शॉपिंग ख़त्म होगी, उसके बाद मैं घर आ गई थी। अच्छा मेरा घर आके ना दिल कर रहा था कि केक बनाऊँ, तो इसके बस मुझे ना बस जल्दी जल्दी था कि मैंने कहा मैं बना लूँ, बस मैं वीडियो भी नहीं रिकॉर्ड कर सकी। तो यहाँ पे ना मैंने पानी डाल के नीचे वो रख दिया था स्टीमनर, और इसके ऊपर मैंने अब केक रख दिया। अच्छा जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी ना तो फिर मैं आप लोगों के साथ यानी कि ना रेसिपी ज़रूर इसकी शेयर करूँगी, बहुत ही मज़े का बना था। तो बस मैं जल्दी जल्दी में थी इसलिए मैंने ना बना ली जल्दी से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितना यमी लग रहा है, बहुत मज़े का बना था। अच्छा मेरी मम्मी को बहुत पसंद आया तो वो कह रही थी कि मुझे ना दोबारा बना के दो। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जिस दिन मैं बाजार गई ना तो व्हीपिंग क्रीम ले आऊँगी, इसके अलावा कोई भी जो जूस वगैरह ऊपर होता है वो डाल के ना दूसरे तरह का ना मज़े बनाऊँगी, जिस तरह का मैंने ट्राई करना, लेकिन ये भी मज़े का बन गया था सिंपल। तो यहाँ पे शाम को मैं बनाने लगी थी चिप्स। अच्छा आज मैंने कहा चलो मैं ऐसे करती हूँ फ्राई पैन में बना लेती हूँ, क्या मैं देसी में बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं फ्राई पैन में चिप्स बना लेती हूँ। तो आज की मैं अपनी वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लोगों ने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है। तो मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और यहाँ पर मज़ेदार सी चिप्स भी तैयार होगी है, तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।